सलाम हेलो हैलो असल फ्रेंड्स आज हम अपनी पहली रिव्यू एक्सरसाइज क्लियर करने जा रहे हैं आवर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर वन फ्रॉम लेसन नंबर वन टू लेसन नंबर टेन ठीक है हम दस लेसन की जो रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं सो मैं आपको जल्दी जल्दी से जो सारे कमांड्स से जो से सिखा दूंगा ये बोलता जाऊंगा और आपने इसको सिर्फ रिव्यू करना है ठीक है क्योंकि तो आप सारे के सारे लेसन देख चुके हैं अगली रिव्यू एक्सरसाइज में मैं आपको ये नहीं कहूँगा ठीक है सो so, मैंने सारा ऑटो कैड जोन से कोशिश की है कि बिल्कुल ही ब्लैंक पे चला जाए जैसे कि वापस अपनी नीचे स्टेज पे आ जाए ठीक है तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे क्या है ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम नई फाइल बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जो उनसे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स कर सकते हैं ये हमारी रिसेंट फाइल है जैसे देखें हमारा पिछले लेक्चर में टेंथ लेक्चर का जो वर्क है यहाँ पे मौजूद है और ये हमारा है नोटिफिकेशन बार ठीक है अब हम ये एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेते हैं ये फील्ड ये देखें मैंने कोशिश की है सही है अब क्या करना है अब हमने इसे किस में लेके आना क्लासिक में लेके आना है ना? यहाँ पे देखें ए, यहाँ पर तो है ही ऑप्शन क्योंकि हमने पहले बनाई थी ये फाइल लेकिन अब अब ज्यूम कर लें कि ये नहीं है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे नहीं है जैसे हमने हमने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें नहीं था सो अब हम क्या करेंगे इसे क्लासिक में कन्वर्ट करेंगे वो अब हमने कैसे करना है ये सबसे ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा बटन सबसे ऊपर इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे शो शो मेन्यू बार पे आए ये आ गया यहाँ पे सबसे ऊपर पैलेट्स 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 के साथ रिबन रिबन ये खत्म हो गया अब यहाँ पे आए यहाँ पे टूल बार ऑटोकैट और कुछ हमने ओपन करने हैं जिसमें हमारा है, जिस है ड्राउडर टूल बार न, लेयर्स टूल बार ड्राउडर फिर बाद में टूल बार और उसके बाद हमारा आता है मोडिफाई फिर मोडिफाई उसके बाद आता है हमारी न, एक मिनट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ठीक हो गया उसके बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स, बीमारे आ गए फिर अब हम लेंगे अपने स्टाइल्स स्टाइल ठीक है ये हमारी चीज़ें कि अब अम्मी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं मैंने आपको सिखाया था कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी टूल बार को ठीक है मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी अपने हिसाब एडजस्ट करें जहाँ आपको वेडी लगे हम्म यहाँ से पकड़ कर इसको आप कहीं भी जाकर एडजस्ट कर सकते हैं है मैंने यहाँ पे अपना पैं टूल एडजस्ट कर लिया इसको ऊपर रख लेता हूँ मैं ठीक है ये मेरी होगी इनिशियल सेटिंग अब हम आगे अपना फर्दर सीखते हैं बेसिक कमांड्स वो ये है कि ये जो उनसी नीचे है कमांड लाइन ये बाजू का गायब हो जाती है ये हम खुद कर देते हैं ठीक है इसकी जो उनसी है, की है टोगल की इसकी टोगल की क्या है कंट्रोल नाइन कंट्रोल नाइन ओहो कंट्रोल जीरो मैंने कर दिया कंट्रोल नाइन कंट्रोल लाइन से ये आ भी जाएगी और कंट्रोल लाइन से चली भी जाएगी मैं कंट्रोल लाइन करता हूँ नाइन सॉरी तो ये चली गई फिर कंट्रोल नाइन प्रेस करता हूँ ये आ गई ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा था अपना हमने आगे अपना ये सीखा था ड्रा पोजिशन उसके लिए मैं पहले एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ठीक है ठीक है ब्लैक हो रही है चले छोड़ें हमने तो बस चेक ही करना है ना अभी सो so, ये रहे हमारे यहाँ से हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ऊपर दो आप कोयर नज़र आ रही होंगी इससे आप इसको मुख्तफ जो उनसे हैं साउथ नॉर्थ पोल से देख सकते हैं और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इस इस बॉक्स पर आप इसे ऊपर और नीचे करके चेक कर सकते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है और नीचे से कैसा दिखता है उसके अलावा आप इसे यहाँ से भी सेट कर सकते हैं यहाँ से मैं इसे टोपे लेके जा रहा हूँ ठीक है ये क्लियर हो गया उसके बाद हमने आगे सीखा है कि पेन टूल के बारे में ये यहाँ पर सबसे ऊपर ये हाथ नज़र आ रहा होगा आपको हैंड लाइक शेप इसको पैन रियल टाइम टूल कहते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह उठाने के काम आता है पूरी ड्राइंग को ठीक है और उसके अलावा हमने सीखा था स्केप या एंटर दबाएं तो कमांड जो उन एग्जीक्यूट हो जाती है जैसे कि देखें मैंने दबाया कैंसिल होगी बंद करने के लिए ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम एंटर दबाते हैं उसके अलावा पैन कमांड की जो उनकी शॉर्टकट की है वो है पी एंटर ठीक ओहो यहाँ पर नहीं पी एंटर ठीक ये पैन टूल आ गया ठीक है उसके बाद एक और चीज़ है हम आगे जूम सीखा था हमने कि ये रहा पैन टूल के साथ वाली ऑप्शन है जूम का ये हम ऊपर की ओर करेंगे ड्रैग तो ये जूम होगा नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट होगा ठीक है उसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखी थी कि इसको हम कैसे ले सकते हैं इसे हम ले सकते हैं जी प्रेस करें और एंटर कर दें तो ये जूम तब भी आ जाता है ठीक है उसके अलावा जूम के साथ वाला एक और ऑप्शन है कि ये वाला जूम के साथ वाला बटन जो हमने सीखा था कि इससे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो एंटर आ, लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये उसको पूरी तरह जूम कर देता है उसके अलावा हमने सीखा था कि फिट टू स्क्रीन करने के लिए यानी इसका पूरा जूम आउट करने के लिए इसके साथ एक और बटन है हम वो दबाते हैं ठीक है तो ये पूरी तरह से उसकी जो पहली पोजीशन थी वहाँ पे ले जाता है ऑब्जेक्ट के उसके अलावा हमने एक और चीज सीखी थी कि अपने ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन पर फिट करने के लिए हमने कमांड सीखा था जी एंटर और ए एंटर सीखा था जिससे वो उसे पूरी तरह स्क्रीन पर ले जाता है ठीक है अब मैं फिर पी एंटर करके पैन टूल से दरमियान में ले जाता हूँ और कमांड ओवर कर देता हूँ ठीक है ये ये हमने सीखा था उसके बाद हमने आगे सीखी थी कुछ प्री रिकोर्डिट्स मैं चाह रहा था कि आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र है आ गई हैं तो प्री रिकोर्डिट हमने सीखी थी कि हम वो प्री रिक्वर्डि करते हैं पहले कि ताकि अगर हम ये काम कर लें तो आगे एंड द फ्यूचर हमें कोई तंगी पेशी ना हो जो काम जरूरी है इसके अंदर सेटिंग्स के इनिशियल्स तो वो ऑप्शन कमांड से तो ऑप्शन कमांड दो तरह से आ सकती है एक है लेफ्ट क्लिक करें तो ये सबसे नीचे ऑप्शन कमांड है तो ये ऑप्शन कमांड आ जाती है इसके अलावा एक और जगह थी ऑप्शन कमांड को एक्सेस करने की वो थी ओ ओ पी एंटर करना था हमने ठीक है तो भी ऑप्शन कमांड आ जानी थी ठीक है ये आ गई हमारी उसके बाद हम यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं इसका पीछे बैकग्राउंड वो हमने कैसे किया था यहाँ पे कलर बटन है इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर एक और है यहाँ से हमने इसको वाइट कर दिया हमने कहा था कि वाइट जो सा कलर होता है वो होता है प्रोफेशनल्स का तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया उसके बाद हमने इसे ओके इसे अप्लाई करके ओके करना था लेकिन बाकी भी जो दो प्री रिक्विजिट्स हैं वो इसी पे पूरी होंगी सो so, दूसरी जो प्री रिक्विजिट है वो ये थी सेव एंड ओपन इसके साथ वाला टैब उस पर हमने क्लिक किया यहाँ पे हमने से सेट करना था कि ये 2000 यानी कि हमने सेट करना था कि 2000 से लेके ऑनवर्ड जितने भी आगे आएंगे उन सब पे चल जाए ठीक है तो मैंने ऑलरेडी से 2000 भी किया हुआ है ठीक है तो मैं इसे कहता हूँ कि ये दो भाई जो दो हज़ार है ना दो हज़ार से ऑनवर्ड किसी में भी ये हो जाए तो ये देखिए ये ऑप्शन मैंने सेट कर लिया ये वाला उसके बाद फिर हमने सीखा था ऑटो सेव कि ऑटो सेव क्या होता है कि वो बार बार सेव करता रहता है ताकि आपकी ड्राइंग लॉस ना हो तो मैंने अभी तीन मिनट किया हुआ तो है तो इसे से पाँच मिनट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी मर्जी है जितना मर्जी आप टाइम रखें ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर अप्लाई क्लिक कर दिया करने के बाद ये ओके कर दिया ठीक है उसके बाद एक चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट जो हमने सीखनी थी वो ये है कि हमने जो सी अपनी है ये वर्कशीट को सेव कैसे करना है सेव करने का तरीका ये था टूल बार में जाना था हमने टूल बार में जाके ऊपर वर्क स्पेस वर्क स्पेस में जाके कर यहाँ पर सेव करंट एज पे क्लिक करना था ठीक है और फिर इसके ऊपर अपना नाम नाम टाइप करना था इसका ठीक है ऑटो कैड मैं इसको ले इसको लिख देता हूँ क्लासिक 2018 ठीक है ये नाम अच्छा रहेगा इसके बाद हमने इसके सेव पे क्लिक किया था ताकि ये वर्क स्पेस सेव हो जाए अब अब हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे जाकर देख सकते हैं ठीक है टोगल में तो ये हमारी ये सब वक्त सेव हो गई है इसका मतलब हम जब भी इसे क्लोज़ करेंगे और ओपन करेंगे हमें यही इंटरफेस मिल जाएगा ठीक हो गया एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई उसके बाद ये हम आगे अपने बढ़ते हैं काम की तरफ और वो हमारा काम क्या है वो हमारा काम है कि मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूँ ठीक है ये है हमारा ऊपर फाइल मेनू ठीक है फाइल मेनू बारे में सबसे ऊपर है जी न्यू फाइल का ऑप्शन इसके कंट्रोल एंड इसका शॉर्टकट किया इससे हम कोई भी नई फाइल को ओपन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे है जी ओपन ओपन कमांड है ये कंट्रोल ओ से भी हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी है इससे हम कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करते हैं ये रहा सेव का ऑप्शन इससे हम जो सी एग्जिटिंग जो जिसके फाइल पर हमने काम किया है उसको सेव कर सकते हैं और सेव है इसलिए कि एक फाइल जो सेव हो व्यूज को दोबारा फिर सेव करना है तो उसके लिए हम सेव सेवे का कमांड यूज़ करते हैं उसके बाद यहाँ जो हमारे जो ये नीचे ये लिखे हुए हैं ये सारे हमारे जो उनसे रिसेंट वर्क हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे नीचे होना शुरू हो जाएंगे ये एग्जिट कमांड है कंट्रोल के ऊ से ये एग्जिट हो जाएगी विंडो ठीक है उसके बाद हमने सीखा था ये एडिट कमांड एडिट कमांड में देखा कट कॉपी पेस्ट ये सारे वो कमांड्स हैं जो अक्सर वर्ल्ड्स वगैरह में होते हैं ठीक है व्यू कमांड में हमने सीखा था कि व्यू से रिलेटेड चीज़ें होंगी ठीक है उसके बाद हमने सीखा था कि जो ये एक्स एंड वाई एक्सिस है ना इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं अपनी स्क्रीन से तो उसको हमने स्क्रीन से रिमूव करने का तरीका सीखा था हम व्यू में जाएंगे व्यू में जाएंगे व्यू के साथ डिस्प्ले में जाएंगे डिस्प्ले से यू सी एस आईकोन्स में जाएंगे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑन का बटन तो हम यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देंगे तो ये अब ये ऑफ हो गया तो इसे दोबारा टोगल करने के लिए हम वापस यहाँ पर जाएंगे यू सी एस और ये इसके पे क्लिक कर देंगे मगर मैं नहीं कर रहा ठीक है ये हो गया हमारा एक और काम डिक्लेयर ठीक है उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि फोर कि फोल्डर में सेविंग कैसे करते हैं तो आई होप आपने लेक्चर नंबर टेन लिया हो उसके स्टार्टिंग में मैंने सिखा दिया था सिखा दिया था इसके बारे में वो क्या है कि हमें एक प्लीज रिक्वे काम करना है कि हमने किसी भी सूरत सी ड्राइव में आए अपनी जो सा फोल्डर नहीं बनाना हमने हर हालत में अपना फोल्डर किसी दूसरी ड्राइव में बनाना है यह एक मेन फोल्डर बनाना है मेन फोल्डर के अंदर हमने सब फोल्डर्स माने और उनको किस तरह बनाना है हमने उसे बनाना है डेट वाइज जैसे कि हमने ये एक बना लिया और ये हमारी एक ड्राॅइंग थी जो बन चुकी है ठीक है एक ये चीज़ हो गई बन गई और हम उसमें इसे सेव करते जाएंगे फिर हमने सीखा था कि यहाँ से उस रिक्वायर्ड फोल्डर में कैसे सेव करेंगे तो वो मैंने कहा था कि यहाँ पर सेव पे क्लिक करें तो ये देखें फिलहाल के लिए रिक्वायर्ड फोल्डर में ही पहुँचा हुआ है नहीं पहुंचा हुआ अच्छा हुआ मैंने चेंज कर दिया था ये यह देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी ड्राइव के ऊपर जाएं तो ये हमारा ऊपर फोल्डर है और ये आज की तरीकी है सो तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ ठीक है इसका नाम भी हम दे सकते हैं कोई भी मैं फिलहाल के लिए देता हूँ रिव्यू एक्सरसाइन रिव्यू एक्सर साइंस ठीक है वन इसको मैं कर रहा हूँ सेफ ठीक है ये होगी हमारी सेफ उसके बाद हमने टैब सीखा था कि टैब से हम टोगल वगैरह कैसे कर सकते हैं एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में ठीक हो गया उसके बाद हम आगे सीखते हैं अब लाइन कमांड ठीक है लाइन कमांड जो हमने अभी भी लगाई है कि हमने लाइन कमांड के बारे में क्या सीखा था लाइन कमांड के बारे में हमने सीखा था कि लाइन जो उन हम यहाँ से भी लगा सकते हैं ये टूल बार से ये सबसे पहला ऑप्शन है लाइन कमांड का यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टूल बार पे उस हो टूल बार पे क्लिक करेंगे टूल बार पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएंगे उसके बाद फिर आगे हम उसे नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएंगे यानी हम यहाँ पे लगानी है फिर आगे करवाते जाएंगे यानी कि हम एटलीस्ट जितनी दफ़ा हमने लाइन लगानी है देखिए ये पॉइंट मैंने करवा लिया फिर हम उससे अगला पॉइंट पूछा है अपना नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएं मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिर मुझसे पूछते उससे अगला पॉइंट स्पेसीफाई करवाएं तो मैं ये कर लेता हूँ उसके बाद उसने ऐसे पूछता जाएगा मैंने एक हाउस बना लिया अच्छी बात है ठीक है तो जब आपने इस लाइन को एंटर करना होगा तो आप एंटर या स्किप कर कमांड दबाएंगे तो ये देखें एंड हो गया ठीक है ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया उसके बाद हमने है था सिलेक्शन याद आ गया जो ये सिलेक्शन कमांड है लेफ्ट सिलेक्शन और रेड सिलेक्शन होती है हमारे पास वो हम कैसे करते हैं माउस का जो उनका लेफ्ट बटन एक दफ़ा क्लिक करने के बाद छोड़ दें और उसके बाद अपना माउस ड्रैग करें तो आप जहाँ जहाँ लेके जाएंगे सलेक्ट होता जाएगा तो उसके बाद जब आपने देखा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया तो फिर हमें दोबारा फिर से क्लिक कर देना है लेफ्ट तो ये पूरी तरह सेलेक्ट हो चुका है उसके बाद हमने लेफ्ट सिलेक्शन सीखी थी लेफ्ट सिलेक्शन में क्या है और इन दोनों में फ़र्क है ये देखें लेफ्ट सिलेक्शन ब्लू कलर की रेड सिलेक्शन ग्रीन कलर की इनमें फ़र्क है अगर हम आप लेफ्ट सिलेक्शन लेते हैं तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जैसे देखें मैंने ऊपर छत सेलेक्ट नहीं है ऊपर वाली जो लाइन है छत की दो उन्हें मैंने आधा आधा सेलेक्ट किया है तो मैं एंटर करता हूं उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया जबकि जो लेफ्ट सिलेक्शन है उसको आप किसी भी लाइन को ज़रा सा भी सेलेक्ट कर लेंगे ना ये देखें मैंने ज़रा सा ज़रा ज़रा सा सेलेक्ट किया है ऊपर वाली लाइन को तो वो भी बीच में सेलेक्ट हो गई है ये इनका फ़र्क था ठीक हो गया उसके बाद हम लाइन कमांड ड्रा कमांड से भी ले सकते हैं ये देखें ड्रा ड्रा मेन्यू में जाएं ड्रा मेन्यू में सबसे ऊपर ये लाइन कमांड है यहाँ से भी लाइन हो की फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एंड मच मोर आप अपनी मर्ज़ी से करें जब थक जाएगा जब आखिरी कॉर्नर आ जाए तो एंटर का बटन दबा दें या बाकीप कर दें स्केप ज़्यादा रिकमेंडेड होगा ठीक है उसके बाद हमने सीखा था कि लाइन कमांड को हम एल एंटर की शॉर्टकट की थी एल एल आपने की ओहो ये डायनामिक इनपुट ऑफ है ना इसलिए तो वो बार बार इस पर जा रहा है तो हमने एल एंटर किया था तो यहाँ से भी हमें लाइन मिल गई ठीक है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड हम स्पेसिफाई करवाते चले गए ठीक है ये हमने सीखा था मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिल वक्त के लिए ठीक हो गया ये हमने आया मैं हमने सीख लिया कि लाइन को किस किस तरीके से लगाया जा सकता है उसके बाद हमने सीखा था कि यूनिट्स एंड लिमिट्स के बारे में ठीक है यूनिट्स हमने कैसे सेट करनी है जैसे कि हमने ये एक देखें एल एंटर ये जो हम लाइन लगा रहे हैं इसको मेजरमेंट तो कोई नहीं हो रही है उसके यूनिट्स हमने सेट करने थे तो हमने कैसे करने थे अब हम वो करने जा रहे हैं वो क्या है वो क्या है और हमने कैसे करने हैं फॉर्मेट मेन्यू में जाना है ये देखे फॉर्मेट मेन्यू फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूनिट्स का ऑप्शन है ये रहा एक ये तरीका है इसे ऑन करने का यूनिट्स को एक मिनट आ रहे हैं ये आ गए दूसरा तरीका इनका ये है। यू एन आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे यू एन यू एन एंटर करेंगे तो भी ये आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद हमने यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करवाई थी कि हम आर्किटेक्चरल करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे तो मैं प्रेफर आर्किटेक्चर को कर करूँगा हर काम का अपना अलग अलग जो सा होता है एक पोजीशन होती है तो आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट मिलेगी उस तरह के आप यहाँ यूनिट सेलेक्ट करेंगे ये हो गया और प्रोसीजर हमेशा हमने का सबसे प्रवल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जीरो फीट जीरो इंच ठीक है ये सबसे अच्छी प्रोसीजर हो जाएगी हमारी ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया ठीक है ये हमारे यूनिट्स जो हैं वो हो चुके हैं जी अब सेट ठीक हो गया उसके बाद क्या है हमारा जो हमने सीखा था कि जो लिमिट्स होती हैं वो हम कहाँ से लगाएंगे लिमिट्स हम लगाएंगे फॉर्मेट मेन्यू और ये यहाँ पे है ड्राइंग लिमिट्स ठीक है मगर मैं लिमिट्स नहीं लगा रहा क्योंकि ये लिमिट्स जो है बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है मगर जो प्रोफेशनल जो आगे बंदा हो जाता है तो इंपॉर्टेंट नहीं रहती तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी आदत ना पड़े ठीक है अब हम अपनी अगले काम की तरफ पढ़ते हैं वो है हमारे प्रिसीजन टूल्स हमारे प्रिसीजन टूल्स यानी कि ये नीचे वाली बार ठीक है इसमें हमने सबसे पहले सीखा था ग्रिड ग्रिड ऑन ऑफ करने का तरीका ठीक है ग्रिड ऑन ऑफ करने का तरीका सीखा था ये देखें ये एक है सबसे पहला ये मॉडल के साथ ही लिखा हुआ है एक आइकॉन बना हुआ है ग्रिड का तो उसे मैं टोगल करता हूँ ग्रिड्स खत्म हो जाते हैं प्रोफेशनल ग्रिड्स यूज़ नहीं करते ए, करते लेकिन बिगनेड्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगी ठीक है ये देखें और इसकी टोगल की भी थी एक जो मैंने आपको सिखाई थी और वो टोगल की थी एफ़ ठीक है मैं एफ़ क्लिक करता हूँ ये देखें एफ़ सेवन से टोगल हो ही जा रहा है ठीक है उसके बाद हमने आगे अगर मैंने सीखा था स्नैप टूल टोगलिंग उसका जो सी शॉटकट की थी उसकी वो थी एफ़ नाइन देखिए एफ़ नाइन दबाता हूँ नीचे से एक एक चीज़ ऑन हो जाती है फिर ऑफ हो जाती है ये रहे स्नैप वाले यहाँ से हम स्नैप ले सकते हैं स्नैप एंड ऑफ ठीक है स्नैप टूल हमने सीखा था उसके बाद हमने सीखा था स्नैप टूल्स में यहाँ पे ये इसके साइड पे एरो बनी हुई है उस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ स्नैप सेटिंग्स में जाएंगे ठीक है स्नैप सेटिंग्स ओपन हो गई हैं उसके बाद हमने एक और चीज सीखी थी कि ग्रिड की जो सी मेजर और माइनर लाइन्स को कैसे सेट करना है जैसे जो देखिए पीछे जो डब्बा है इसका ये डार्कर लाइन है और उसके अंदर जो स्मॉलर बॉक्सेज हैं जिनकी लाइन इससे डार्क नहीं है ईच बॉक्स के अंदर फाइव और वर्टिकली हैं बॉक्सेज है। तो हम इसे बड़ा कम कर सकते हैं यहाँ पर देखें मेजर और माइनर लाइन्स पर यहाँ पर देखें ये फाइव हैं इसे हम टेन कर देते हैं ये देखें टेन और फिर ओके करते हैं ये देखिए अब ईच बॉक्स के अंदर टेन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हो जाएंगी मैं इसे वापस कर देता हूँ जोन सा हमारी थी नॉर्मल साइडिंग फाइव पे ठीक तो है यहाँ से भी आप टोगल कर सकते हैं देखिए स्नैप को ऑन एंड ऑफ ठीक है इसे मैं ओके कर देता हूँ तो ये ले गेट हमारी अपनी वापस वापिस पीछे मैं गेट को खत्म बंद कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद हमने आगे क्या सीखा था आगे हमने सीखा था आगे हमने सीखा था ऑर्थो कमांड ठीक है आपको याद ही ऑर्थो कमांड क्या था ऑर्थो कमांड यहाँ पर ये नीचे जो बटन बना हुआ है ये देखें ये वाला ऑर्थो कमांड ये था यानी कि डायनामिक इनपुट के साथ वाला जो सा बटन था वो था अर्थोकमांड मैं डायनामिक इनपुट ओपन कर लेता हूँ बाद में आपको समझाता हूँ ठीक है ये आर्थो कमांड हमने सीखा था कि आर्थो कमांड 90 और 90 के मल्टीपल्स पे लाइन लगाने देता है जैसे एल एंटर और अभी देखिए ये लाइन जोन सी है ये ऐसे लग रही है या ऐसे लग रही है किसी दूसरे एंगल में नहीं लग रही आर्थो जो उनसे हमें एक सीक्वेंस देता है जैसे देखें ये येल है मैं किसी भी तरह जैसे मर्जी लगा लूँ मगर 90 के और उसके मल्टीपल्स में लगाऊंगा ठीक है जीरो वन एटी नाइन्टी और थ्री सिक्सटी इसके अलावा मैं कहीं लगा सकता एंटर में प्रेस करता हूँ योवर की कमांड ठीक है ये हमने सीखी थी आठ कमांड के बारे में उसके बाद हमने सीखा था स्नैप ऑब्जेक्ट्स ठीक है यानी ओ स्नैप ठीक है हमने सीखा था वो हमने कहाँ से सीखा था वो था ये स्नैप स्नैप सेटिंग्स में गए हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्नैप ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी टोगल की है एफ एफ थ्री इसकी टोवल की एफ थ्री है ठीक है अब यहाँ पे हमने ये सारे मैंने पहले से चेक कर, कर मैं रहा था ना मैंने कोशिश की है तो कुछ रह गया तो इसमें हम ये सारा कुछ चेक कर लेते हैं करने के बाद हम जब इसे ओके करते हैं तो जब भी हम इसके मिड इस लाइन पर क्लिक करते हैं तो इसका मिड पॉइंट और दूसरे पॉइंट हमें स्पेसिफाई हो जाते हैं एक मिनट एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ मैं ये देखें एल और ये एक लाइन ड्रा होगी मेरी ओके अब मैं फिर से करता हूँ एल एंटर और अब मुझे ये लाइन का मिड पॉइंट चाहिए तो मैं इस पर जाता जाऊँगा स्नैप ऑन है ना ए एफ़ थ्री हाँ एफ़ थ्री ये देखें वो ऑन हो गया मैंने एफ़ थ्री को टोगल किया सॉरी मैंने वहाँ पे ऑफ़ किया हुआ था तो अब मैंने इसे ऑन कर लिया ठीक है एफ़ थ्री से ये टोगल हो जाता है बाजू का बाद हम इसे ऑफ़ कर चुके होते हैं तो देखें मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये इसका एंड पॉइंट मिल गया यहाँ से मैं इसको सही तरीके से लगा सकता हूँ लाइन एक ओहो ये मैं ख़राब कर रहा हूँ फिर एल एंटर और उसके मिड ये रहा है इसका मिड पॉइंट यहाँ से मैं इसकी लाइन लगा रहा हूं देखें ना आर्थों में तंग कर रहा है मुसलसल तो ये डायरेक्ट ही लगवाएगा ठीक है ये होगी हो चीज और देखे मैं जिस भी लाइन पर जाता हूँ उसका मुझे मिल जाता है मिड पॉइंट आर्थों कमांड हो स्नैप कमांड भी क्लियर होगी उसके बाद हमने आगे सीखा था पोलर ट्रैकिंग ठीक हो गया हमने सीखा था पोलर ट्रैकिंग पोलर ट्रैकिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से निकलती है यहां पर स्नैप सेटिंग्स ये पोलर ट्रैकिंग का टैब है ठीक है पोलो ट्रैकिंग में बेसिकली क्या था कि वो नाइन्टी और नाइन्टी के मल्टीपल्स में लगते हैं इसका जिनसी इसकी टोकल की है वो है एफ़ टेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम जितने भी यहाँ पे दे देंगे इसे से देखे मैंने पहले से काफी सारे स्पेसिफाई करवा के कर रखे हुए हैं डायरेक्शन ठीक है जैसे थर्टी की सिक्सटी की नाइन्टी की एंगल्स से स्पेसिफाई करवा के कर रखे हुए हैं ठीक है ठीके? इसे मैं ऑन कर लेता हूँ एफ़ टेन इसकी टोकल की है ये ले मैंने ऑन कर लिया अब देखिएगा मैं लाइन लगाता हूँ एल एंटर तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट सेटिसफाई है जैसे ही मैं थर्ल्टी पे जाऊंगा तो देखें ग्रीन कलर की एक लाइन बन रही है जो मुझे बता रही है कि भाई ये ठल्टी का एंगल है ये देखें उससे आगे जाऊंगा तो मैंने ये आगे रखा हुआ है एक और ये देखें मैंने 60 का एंगल रखा जैसे वो 60 के एंगल पे आया तो उसने ग्रीन लाइन बना दिया ये हमें एस देता है इस काम में ये देखें यहाँ पे मैंने एक एंगल इसके अंदर सेव किया हुआ है तो वो आ गया जैसे जैसे, जैसे मैं एंगल जाऊँ उसे सेव किया हुआ मैंने उनके ऊपर वो मुझे ग्रीन कलर की डोटेड लाइन दे रहा है कि ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है ये हमें एंगल्स लगाने में एज देता है ठीक है उसके बाद हमारा अगला जो डायनामिक है है इनपुट जो मैंने अभी अभी ऑफ ऑन किया हुआ है ये रहा मेरा डायनामिक इनपुट जो मैंने ऑन कर दिया था ये प्लस और ये वाला निशान जो आर्थो कमांड के साथ था ठीक है मैं ऑफ कर रहा हूँ ये है डायनामिक इनपुट और डायनामिक इनपुट क्या है जब मैं डायनामिक इनपुट गैर लगा रहे थे लाइंस तो वो मैं शो नहीं कर रहा था जैसे देखें मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें डायनामिक इनपुट मुझे ये एक एक मिनट है मैं इससे बैठ निकल के दिखाता हूँ आपको ए आ गया ये देखें यहाँ पर वो मुझे इसकी हाइट बता रहा है कि कितनी इंच की लाइन आप लगा रहे हैं हाइट बता रहा है यहाँ पर मुझे एंगल बता रहा है ये सारा डायनामिक इनपुट की वजह से है और डायनामिक इनपुट का एक और फायदा ये है कि आपको बार बार लाइन कमांड के ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ता आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो इसमें जा लिखी जाती है बॉक्स के अंदर जैसे कि मैं अभी लाइन जो उन ड्रा करूँगा एंगल के साथ फोर्टी मैं कर लेता हूँ इसे फोर्टी फीट की लाइन ठीक है इसके बाद मैं फिर से क्लिक करता हूँ ये आ गया मेरा मैं देखो फोटी लिखता हूँ और फीट का सिंबल लेता हूँ एंटर ये लाइन लगी हुई और मैं एंटर कर देता हूँ अब मैं उसे वापस स्क्रीन को बराबर करता हूँ जी एंटर ए एंटर ये जो काफ़ी बड़ी लाइन लगी ये तो तो खैर इसको मैं करता हूँ फिल वक्त के लिए घूम चक्कर डिलीट हो गई और इसको भी डिलीट करता हूँ ठीक हो गया एक लाइन फिर बच गई सो so, ये हो गया ठीक है आपको डायेमिक नहीं हुआ फिर हमने क्विक प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा था कि क्विक क्विक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ठीक है क्विक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो फ़ौर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि भई इसकी लाइन विथ हाइट और जो सी मुख्त जो से, से हैं इसके क्या हैं और हमने वो कैसे किया था उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सबसे एंड पे यहाँ पे है जी कस्टमाइजेशन ये एक ऐसा बटन है कि बाजार यहाँ पर कुछ बटन्स हाइड हुए होते हैं तो आप यहाँ से एक बटन्स को हाइड और ऑन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जी क्विक प्रॉपर्टीज सी है ये लिखा हुआ है क्विक प्रॉपर्टीज तो मैं इसे करता हूँ ये हाइड कर देता है क्विक प्रोपर्टी को आ गया वो देखिए हाइड हो रहा है और आ रहा है मुसलसल हाइड हो और आ रहा है ठीक है ये क्विक प्रॉपर्टीज और ये रहा जी क्विक प्रॉपर्टीज का आइकॉन ये देख सकते हैं आप ठीक है इस पर आप क्लिक कर देते हैं अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ एल एंडर और ये देखिए ए ये मैं और आर्ट आर्थो ऑन कर लेता हूँ डायरेक्ट से सीधी लगेगी ये और ये और ये, और ये और ये और ये भी कर लेते हैं

शिफ्ट का बटन दबाकर अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ये इंचिस का काम करेगा एंटर के साथ है और अगर आप शिफ्ट का बटन नहीं दबाई रखेंगे उसके अलावा दबाएंगे तो ये फीट का सिंबल है यहाँ पर है ठीक है ये आपको कि आपको समझ आ गया हो उसके बाद क्या है उसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले कामों की तरफ ठीक है वो महाराज जी लाइन को मेजरमेंट कैसे लगाए हैं वो मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया था कि लाइन को मेजरमेंट कैसे लगाएंगे देखिए एल एंटर और अब मैं यहाँ पे इसकी ये लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाने के बाद अब मैं लिखता हूँ कि मैंने कितने फीट की लगानी है भाई मैंने लगानी है ट्वेंटी फाइव फीट और टू फाइव इंचिस की लगानी है ठीक है मैं एंटर करता हूँ ये लग गई एक लाइन अब मैं यहाँ पर जो लाइन लगाऊंगा वो मैं लगाऊँगा किसके थ्रू इस की के थ्रू आके आपको समझ आ जाए ठीक है ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लाइन की हुई है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं करता हूँ जी मुझे फाइव आ आ ये वो छोटा हो जाएगा तो ये करता हूँ ट्वेंटी फाइव फीट रहा फीट का सिंबल उसके बाद मैं करता हूँ टू ये शिफ्ट दबाई रखूँगा रखूंगा मैं अपने कीबोर्ड पर और ये दबा देता हूँ ये हो गया इंचिस फिर मैं एंटर करता हूँ उसने मेरी वो लाइन ड्रा कर दी ओके मैं इसे अब नीचे करता हूँ ये देखें मेरी लाइन ड्रा हो चुकी है ये इसे पकड़ के मैं ऊपर ले आता हूँ ठीक है ए जी एंटर ए एंटर ठीक है ये आ गया हमारे इसके अंदर ठीक है मैं आठ सौ कर देता हूँ आठ का अब काम नहीं है ठीक है उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है ये करने का एक तो हमने किया ना डायनामिक इनपुट के थ्रू कि मैंने ये लाइन एल एंटर दबा कर और ये दबाया और ऊपर मैंने लिख दिया डायरेक्ट और यहाँ और फिर वहाँ पर लिखा आ गया जबकि इसके अलावा आप एक और जगह से भी लिख सकते हैं वो क्या है आपने ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवा दिया आप यहाँ पर एक कमांड पर आएँ यहाँ पर आप लिख दें ट्वेंटी फ़ीट और फिर एंटर कर दें ये देखें इसने भी वो लाइन लगा दी ठीक है ये तरीके हैं दो मयर के साथ लाइन लगाने के उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पिक बॉक्स एंड क्रॉस हेयर जो उन लाइन्स हैं उनको कैसे बड़ा छोटा करते हैं यानी कि जो सा मारे पर कर्सर जो है मैं प्ले कर रहा हूँ जो मेरा काम कर रहा है यहाँ पर इसकी जो उनसे लाइन इसको और इसके अंदर पिक बॉक्स है उसको बड़ा छोटा कैसे करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे ठीक हो गया हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे ऑप्शन में जाके डिस्प्ले ये आ गया डिस्प्ले डिस्प्ले आ गया ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये क्रॉस हेयर साइज़ ठीक है यहाँ पे हम बर देते हैं ऐसे कर देते हैं मैं फोर्टी ठीक है फोर्टी करके जब मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये ज़रा पीछे ओके करके मैं आपको दिखाता हूँ ए ये देखिएगा मेरी कितनी बड़ी क्रॉस बोज हो गई है ठीक है उसके अलावा मैं फिर से ओ पी एंटर करता हूँ ये भी डायनामिक की वजह से हम वहाँ पे लिख पा रहे हैं ये सारा लाइन कमांड का काम डायनामिक ने कंप्लीट करवा दिया ये मैं फ़ाइव कर देता हूँ ठीक है अप्लाई उसके अलावा क्या है उसके अप्लाई ठीक है उसके अलावा हम इसका पिक बॉक्स साइज कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का टैब है ये देखें सिलेक्शन का टैब इसमें ये रहा पिक बॉक्स साइज इसे हम बढ़ा सकते हैं ये देखें ये आ गया अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारा पिक बुक्स जो था बढ़ा हो गया है हम किसी भी क्लिक कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसे वापस छोटा करता हूँ जिस पोजिशन पर यह था ठीक है ये अप्लाई हो गया और ये ओके आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रही है मेरी ठीक है उसके बाद हम लाइन प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं कि लाइन प्रॉपर्टीज के हैं ठीक है जैसे कि इसकी मोटाई हो और इसकी बरीकी के बारे में हम सीखते हैं पहले मैं सारा कुछ इससे अरेज कर दूँ यहां से ओहो मैं कफी नीचे चला गया था डिलीट हो गया अब मैं करता हूँ एक लाइन ड्रा करता हूँ एल एंटर इसकी मैं विड्स बनाना चाहता हूँ मैं इसको मैं कर लेता हूँ ट्वेंटी फाइव फीट की लाइन में ड्रा कर लेता हूँ ठीक है एंटर ठीक है जी एंटर ए एंटर नहीं है कुछ वो मेरे से लाइन मुझे लगता है डिलीट होगी मैंने फर्स्ट पॉइंट नहीं करवाया ये पॉइंट आ गया ट्वेंटी फीट एंटर ठीक है ये लगी लाइन एंटर उसके बाद एंड मैं से अच्छा बड़ी है जी एंटर ए एंटर ठीक है यहीं से ये यह हो गया ठीक हो गया अब ये लाइन जोन सी इसकी मैं विर्थ बढ़ाऊँगा यानी कि इसकी थिकनेस तो लाइन वेट से बढ़ती है वो कैसे हम ये जो सा अप्लाई कर सकते हैं ये देखें ये हम कर सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू में ये रहा लाइन वेट लाइन वेट आ गया ये एक टैब ओपन हो चुका है आप यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है मैं यहाँ से इसकी बढ़ा के कर देता हूँ वन एटी अरे ओके कर देता हूँ आप देख सकते हैं कि इस लाइन को कोई असर नहीं हुआ शायद अगली लाइन पर होना हो ये देखें मैं नई लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ इस पर भी नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ, यह हुआ? यहाँ नीचे एक ऑप्शन है ठीक है शो लाइन वेट और हाइड लाइन वेट ये वाला ठीक है आप यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ठीक है लाइन वेट के नाम से ठीक है मेरे पास है ये मैं क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगी ठीक है इसके अलावा हमने इसको करने के तीन तरीके सीखे थे ठीक है और अब इसका अगला तरीका क्या है इसका अगला तरीका ये है आप एक पार्टिकुलर लाइन के ऊपर यानी एल एंटर ये मैंने एक नई लाइन ड्रा कर ली ठीक है एंटर इस लाइन की विर्स जो उन से, आप यहां से भी कर सकते हैं ये देखें ओ यहाँ से ये देखें।, ये देखें ये रिबन बार से जो हमने ये देखें ये नीचे वाली जो बार है हमारी बाई लेयर्स के नाम पे वहाँ से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं ये देखें ट्वेंटी फाइव मैंने कर दी है ये पॉइंट टू फाइव मी एम एम ये स्टैंडर्ड साइज होता है इसका ठीक है ये लाइन को मैंने विर्थ को ज्यादा कम कर दिया है उसके अलावा आप एक और तरीके से लाइन की विर्थ से खेल सकते हैं वो क्या है इसके ऊपर क्लिक करें ये देखें हमारी क्विक प्रॉपर्टीज आ गई हैं यहाँ पे लिखा हुआ लाइन टाइप लाइन टा, लाइन टाइप ओ सॉरी सॉरी नहीं वर्थ इसकी यहाँ पर नहीं है उसके बाद हम एक और तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं अगला हमारी प्रॉपर्टी एक और है और रोपटी है कलर की कि हम लाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं तो वो क्या तरीका है एक तरीका ये है यहाँ पर ये कलर है ये इसको सेलेक्ट करते हैं हम लाइन को स्पेसिफिक कलर जिसको हमने करना है ये देखें यहाँ बाय लेयर्स लिखा हुआ है यहाँ से आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं मैं मजिंडा दे रहा हूँ ठीक है उसके अलावा आप अगली कोई होल लाइन पर अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप कोई रोपटी से भी कर सकते हैं ये सबसे ऊपर कलर का नाम आ रहा है इस पर क्लिक करें और ये देखें ओह डबल डबल सॉरी डबल डबल मैंने क्लिक कर दिया तो उससे ये आ गया ये यह देखें यहाँ से भी कर सकते हैं इसे मैं रेड कर लेता हूँ ठीक है ये आपने एक्सेक्स कर लिया कलर इसके अलावा आप एक और तरीके से लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं वो है फॉर्मेट मेन्यू और ये रहा कलर्स ठीक है ये एक ऐसी क्लासिकल चीज़ है आप यहाँ से इंडेक्स कलर्स के साथ भी कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप ट्रू कलर्स के साथ भी कर सकते हैं अपना कलर दे सकते हैं लाइन को जोन सा मर्जी आपकी मर्जी है उसके बाद कलर बुक्स के साथ भी दे सकते हैं ये बुक्स वगैरह उनके आप बुक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं ठीक है मैं इसको फिलहाल कलर दे देता हूँ जी डार, ए, ए डार्क ब्लू कलर ठीक है ये एंटर अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ एल एंटर ये देखिए मैं जो भी अब लाइन ड्रा करूँगा उसका कलर ब्लू होगा ये देखें एंटर ये इसका इस तरह से हम इसके जो से है कलर्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बाद है लाइन टाइप लाइन टाइप यानी कि हम डोटेड लाइन और दूसरी दीगर लाइनें कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो तरीका क्या है एक तरीका इसका ये है कि लाइन लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेता दूँ हाँ तो क्या करना फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में जाके ये ला लाइन टाइप सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये लाइन टाइप लाइन टाइप पे क्लिक किया यहाँ पे लोड का कमांड यूज़ किया लोड के कमांड में यहाँ पर बेष्टर लाइन पड़ी हुई है जो उनसे आपको बेस्ट लगे आप वो लाइन लगा लें मैं लगाता हूँ जी ये वेवी लाइन मुझे पसंद है ना वेवी लाइन तो ये आ गई अभी आप ओके कर भी देंगे तो भी काम नहीं होगा जो आपने ये लाइन आई है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है ये और यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पर इसका जैसे देखें ये डबल क्लिक मैंने किया यहाँ पर जिकजेक्ट लिखा आ गया ठीक है अब ये हो गई है सिलेक्टेड अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और अब मैं लाइन एक ड्रा करने की कोशिश करता हूँ एलेंटर और ये देखिएगा इसकी व्रथ बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से मैं नज़र नहीं आ रहा थोड़ी देर में से जूम करता हूँ और देखा जूम करने पे देखें ये हो गई है विर्थ का बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें फिर तंगी होती है देखें मैंने जूम किया है तो ये वेवी लाइन आई हुई है यहाँ पर लेकिन व्रथ बड़ी होने की वजह से नजर नहीं आई ठीक है तो ओहो ओह तो मैं इसको क्या करता हूँ इसकी व्रिरथ कम करके देखता हूँ क्या वाकई में हमारा काम हुआ है तो ये लाइन मैं इतनी व्रर्थ करता हूँ मेरे ख्याल से काफ़ी छोटी हो गई है तो मैं एक नई लाइन ड्रा कर लेता हूँ ठीक है न्यू लाइन एल एंडर ए ये लीजिए और अब ये देखते हैं ये देखें ये वेबी लाइन बन गई है ठीक है एक हमने ये सीखा था उसके अलावा मैं पी एंटर कर लेता हूँ पी एंटर पैन हो से अपनी पोजीशन पे लेकर के खड़ा करता हूँ ठीक है ओके और उसके अलावा हम ये जो सी हैं लाइन्स के जो सी हैं शेप्स में कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करें ये देखें यहाँ से लाइन टाइप चेंज की जा सकती है ये ऐसे करके मैंने इसकी कर दी लाइन टाइप चेंज हो रहा है आप ये देख सकते हैं इसे मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ ये देखें इसकी भी लाइन टाइप चेंज हो गई है इसके अलावा हम कोई प्रॉपर्टीज के साथ भी लाइन टाइप हम लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं देखें एक मिनट इसके ये देखें इसकी भी मैं लाइन टाइप चेंज करके दिखाता हूँ ये क्लिक और ये आगे लाइन टाइप ये देखें यहाँ पे मैं इसको भी वेवी कर लेता हूँ ठीक है ओहो और अभी देखें ये भी वेवी होगी है ठीक है सो so ये मैंने आज आपको सिखाया कि लाइन लाइन की प्रॉपर्टीज के साथ कैसे खेला जा सकता है ठीक हो गया आई होप कि आपको सारी लाइन की प्रॉपर्टी समझ आ गई हाँ आपको शॉर्टकट किस तरह तो बताना भूल गया देखिए जो लाइन लाइन की टाइप है उसका जो उन हमने लाइन टाइप का बॉक्स जो खोला था उसको एक्सेस करने के लिए जी एल टी अपनी यहाँ से एंटर कीजिए कीबोर्ड से एल टी एंटर तो ये देखें ये दोबारा फिर से खुल गया बॉक्स और हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं वेरिएशन कर सकते हैं अपनी ठीक है मैं इसी को फ़िलहाल क्लियर करता हूँ लाइन टाइप ओहो बाई ब्लॉक ओके ये लैंड टाइम कर दो सेक्स उसके बाद हमारा दूसरा था इसके बारे में कलर के बारे में सी एल सॉरी वो और हमने जो इसकी थिकनेस वगैरह जो थी ये इसकी जो शॉर्टकट की थी वो थी एल डब्ल्यू एंटर किया मैंने ये देखें वही बॉक्स हमारा दोबारा फिर आ गया और हम इसे सेट कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज़ है अब आप फर्स्ट कर लें कि आपको अब लाइन की समझ नहीं आ रही कि कौन सी आपकी स्टैंडर्ड लाइन थी कि आपने मोटी हो गई लाइनें अब अब जितनी भी लाइन लगा रही हैं वो खराब ही लग रही हैं देखें ए ये लें मोटी लग रही हैं मगर अब आप नहीं चाहते कैसा लगे तो क्या करें ये कमांड लाइन पर क्लिक करें ओ एक मिनट इसे ओवर कर देते हैं एल एंटर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएं उसके बाद ये कमांड लाइन पे एंटर करें कमांड लाइन पे यहाँ पे लिखें हैं जीरो फीट फीट का सिंबल मुझे लगता है आपको याद होगा ठीक है जीरो फीट फिर एंटर कर दें और फिर वो आपसे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करवाएगा उस जीरो फीट एंटर कर दें ये ले आपकी जो सी पहली नॉर्मल जो सी लाइन है वो वापस आ चुकी है आप एक मिनट यार एल एंटर ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई एल एंटर ओ oh सॉरी वो पोली पोली लाइन कमांड का था ठीक है इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ पॉइंट टू फाइव एम एम इसकी स्टैंडर्ड लाइन होती है यहाँ से मैंने सेट कर ली अब मैं जब भी लाइन लगाऊंगा तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइन आएगी ठीक है वो सॉरी वो पोली लाइन के अंदर कमांड था वो कि पोली लाइन कर सकती है ऐसे अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ ओके फ्रेंड्स अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं वो है जॉइन एंड एक्सप्लोर कमांड जॉइन कमांड हमने सीखा था कि किसी भी इस जोन है ऑब्जेक्ट को जोड़ने के काम आती है उसके पार्ट्स को और एक्सप्लोर उसे तोड़ने का काम है जैसे मैंने यहाँ पे एम लिखा है तो इसकी ईच लाइन अलग अलग है मगर हम इसे जोड़ सकते हैं जॉइन कमांड से तो वो कैसे पहला मैथड है मोडिफाई पर क्लिक करें और फिर यहाँ पे ये रहा जॉइन कमांड जॉइन कमांड में क्लिक किया अब ऑब्जेक्ट्स को आप इकट्ठा कर लें यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते जाएँ जब पूरा ऑब्जेक्ट आप क्लिक कर लें यानी कि आपकी क्लिक पूरी होगी ऑब्जेक्ट्स के सारे पार्ट पूरे हो गए हैं एंटर का बटन दबा है अपने कीबोर्ड से तो ये देखें ये पूरा का पूरा है एक जुर्मट बन गया है इसे अब तोड़ना कैसे यानी कि इसके जो कॉर्नर हैं वापस इस हालत में कैसे लग इसे तोड़ना है मैंने तोड़ने के लिए एक्सलोड कमांड यूज होती है ठीक है वो कैसे यहाँ पे कमांड कमांड लाइन में जाएँ ई एक्स पी एल एंटर करें और एंटर कब्डन दबा दें ई एक्स पी एल दबा के एंटर और फिर ये आपको आ जाएगा ऐसे अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और एंटर कपड़न दबा दें यह टूट चुका ऑब्जेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं उसके अलावा जॉइन का दूसरा तरीका एक और है आप अपने कीबोर्ड से जे एंटर करें तो आप इसे जॉइन कर सकते हैं मैं दो पार्ट्स को फिर अगले ज्वाइन कर रहा हूँ ये एंटर का बटन दबाया ये देखें ये ज्वाइन हो चुके हैं ठीक है अब एक्सप्लोर करने की जो शॉर्टकट की है वो है एक्स एंटर करें हमने कीबोर्ड से और एक्स दबाने के बाद फिर एंटर का बटन दबा दें और ये देखे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ ये देखिए ये अलग होगी ये अलग होगी ठीक है ये तो हमने सीख लिया इसके बारे में जो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वो है हमारी डिमेंशन और एंगल्स के साथ हम लगाना डायमेंशन मीन लेंथ ठीक है इनके साथ हमने लगाना है लाइन लगानी है ठीक है पहले मैं एक आर्थो कमांड ओपन करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ ठीक है ट्वेंटी फीट एंटर ठीक है जी एंटर ए एंटर बाजू का तो हो जाता है बल्कि मैं इसे ना अपनी स्क्रीन के सबसे वेरिएट कर लेता हूँ ये हो गया मेरा ठीक है ये भी क्लियर हो गया ओहो ठीक है अब हमने आगे का काम करना है अगला हमारा काम ये है कि अब हमने एंगल्स के साथ कैसे लगानी है तो वो लाइन लगाने का तरीका क्या है एल एंटर इसका मिड पॉइंट मैं फाइंड करता हूँ ये येरा मिड पॉइंट ठीक है मिड पॉइंट पे क्लिक कर लिया फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो चुका है ठीक है मैं आर्थो ऑफ कर दूँ आर्थो हमें लगाने नहीं देगा आर्थो ऑफ है ठीक है अब हमने क्या करना है अपने की से ऐड का बटन दबाना है ऐट ठीक है ऐट द रेट ऑफ ठीक है द रेट ऑफ का बटन दबाने के बाद अब आप इसकी लेंथ लिखेंगे मैं लिखता हूँ जी कि मुझे चाहिए जी 15 फीट की लाइन अब मैं लेसन का साइन यूज करता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ कि थर्टी के एंगल पे लगा दे थर्टी और एंटर का बटन दबाता हूँ इसने थर्ल्टी के एंगल पे मुझे एक लाइन दे दी है ठीक है और अब मैं इससे करता हूँ इस की के थ्रू ताकि आपको समझ भी आए ठीक है वो क्या हमारा एल एंटर मिड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पतिफा हो गया हमारा अब यहाँ से ये शिफ्ट का बटन है शिफ्ट का बटन मैं दबाता हूँ दबाई रखना शिफ्ट का बटन फिर आपने ये देखा शिफ्ट से पहले ये टू था की बोर्ड पर ठीक है मैं शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पर टू का बटन दबाऊंगा ये ऐट बन जाएगा ऐट द रेट ऑफ आ गया देखे ऐट द रेट ऑफ अब हम क्या करेंगे अब हम फ़ीट लिखेंगे मैं लिखता हूँ फिफ्टीन फीट ये फ़ीट का था और इससे शिफ्ट से करेंगे तो ये बन जाता है इंचिस का ये फीट हो गया हमारा आ गई फीट आ गई अब हम लेस देन का साइन यूज़ करते हैं लेस देन का साइन ये देखे शिफ्ट यहाँ से एम के साथ जो ये कोमे का साइन है ना कोमा का वो जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो लेस देन का साइन बन जाता है ये देखे लेस देन Hmm. की एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिनट गलत हो गया फिफ्टीन अच्छा। फीट मैंने वहाँ पे हलाई जा रहा था ना तो वो लेंथ चेंज हो रही थी ठीक है उसके बाद अच्छा। तो एक मिनट एक, एक मिनट उसके बाद हम क्या करते हैं इसको फिफ्टीन फीट देते हैं फिफ्टीन फीट ओफ तेरी ये तो काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हो गई हैं इसमें ऑफ करता हूँ फिर एल एंटर करता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाइड यहाँ से मैं करता हूँ जी शिफ्ट एट फिफ्टीन फीट लेंथ यहाँ से शिफ्ट दबाई रखना है और ये एंटर और उसके बाद मैं से करता हूँ सिक्सटी पे लगा दे यार सिक्सटी फिर मैं एंटर का बटन दबाता तो ये देखें इससे मुझे लाइन लगा दी फिर मैं एंटर दबाता हूँ ओवर होगी कमांड ठीक हो गया आप आपको समझ आ होगी अच्छा आपको इससे ये जो मेरे साथ भी काम हुआ है इससे मैं एक चीज याद आ गई मैं आपको वो भी समझाना चाहता हूँ बाजू का तो हमारे साथ होता क्या है हमारे साथ होता ये कि हम एक कमांड ऑपरेट कर रहे होते हैं वो ऑपरेट ही नहीं हो रही होती वो क्यों जब आप दो कमांड्स कर दें यहाँ पे ऑपरेट तो फिर वो होती नहीं इसलिए जब भी आपने कोई नई कमांड ऑपरेट करनी हो तो तकरीबन एक से दो दफा स्केप का बटन दबा दिया करें जैसे मेरे साथ अभी हुआ मैंने वो जो लाइन की कमांड है वो तीन दफा यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने गोड़ नहीं किया नीचे वो तीन दफा ऑपरेट हो रही थी इसलिए वो मेरी लाइन लगने नहीं दे रहा था और ना ही मेरा ऑपरेशन पूरा हो रहा था ठीक है ये लीजिए अब लाइन को मैंने ये भी सीख लिया कैसे करना है अब हम सीखते हैं डिमेंशन स्टाइल डिमेंशन स्टाइल क्या होता है कि देखिए मैं पहले इसे भी उड़ा दूँ हाँ अब एक लाइन ड्रा करते हैं एल एंटर वैसे ही अपने से ठीक है तो ये मैं आर्थों से ही कर लेता हूँ एंटर तो अब क्या है अब ये है कि इसकी डिमेंशन देखने की इसकी कितनी डिमेंशन है यहाँ से तो आ जाएगी लेकिन अगर ये हजार लाइनें हुई तो आप कैसे बड़ी बड़ी करके जी क्विक प्रॉपर्टी से देखे तो देखेंगे तो इसलिए हमे, हमें हमें डिमेंशन स्टाइल हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है वो कैसे है जी आप यहाँ पे डिमेंशनस लिखा होगा डिमेंशन में सबसे पहला ऑप्शन क्विक प्रॉपर्टीज क्विक प्रॉपर्टीज आ गया ये पहले सेलेक्ट एक मिनट में फिर से कर लेता हूँ ये डिमेंशनस क्विक प्रॉपर्टी अब आप इसे सेलेक्ट करें जिस लाइन को उसके बाद एंटर का बटन दबाएं और अब ये देखें एक और लाइन आ रही है मैं इसके पास कर दूँ स्टैंडर्ड वे इसके पास होना चाहिए अब यहाँ पे कर दिया अब जो इसका मिड पॉइंट है ना इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने ए, कितने फीट की है तो मैं इसे जूम करता हूँ ये देखें यहाँ पे एक टेक्स लिखा रहा है लेकिन ये फीड का नहीं बता रहा ये किसी और सिंबल में है तो इसे फीड में भी करना है इसलिए इसके यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे जैसे हमने अपने यूनिट्स इसके चेंज किए हैं वैसे ही हमने इसके भी चेंज करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे ये देखें बैक के आए फॉर्मल मैन्यू ये रहा फॉर्मेल मेन्यू फॉर्मर मेन्यू फॉर्मर मेन्यू के अंदर डमेंशन स्टाइल्स हम डमेंशन स्टाइल मैनेजर की मदद ले रहे हैं ये काम करने के लिए ठीक है तो ये डिमेंशन स्टाइल यहाँ से भी आ जाएगा बॉक्स फॉर्मर मेन्यू डिमेंशन स्टाइल्स दूसरा इसकी एक शॉर्टकट की है वो है डी एंटर ये आ गया पहला वाला ये करंट जो सेटिंग है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है उसे डिफॉल्ट करने के लिए ये नया बनाने के लिए हम मोडिफाई पे जाएंगे ठीक है मोडिफाई पे गए ये प्राइमरी यूनिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी यूनिट्स में आप अपने यूनिट्स हम सेट करते हैं जैसे हमने उसके किए थे ठीक है इसके भी अलग से करने पड़ते हैं सेट उसके बाद यहाँ पर टैक्स पे आए टैक्स पे आने के बाद ये रहा टैक्स हाइट टैक्स हाइट पर मैं इसे दे देता हूँ भाई फाइव एट फीट एट इंचिस सॉरी इंचिस का निशान भी इसका वो सिंबल देना जरूरी है मैंने आपको सिखाया इंचिस का सिंबल और फीट का यहाँ पे अब मैं ओके okay कर देता हूँ क्लोज ठीक है ये देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कितने फीट का मैं एक होल्ड लाइन ड्रा करता हूँ एल एंटर ए ये लीजिए ए एयर लाइन ड्रा की और ये लाइन ड्रा की एंटर अब मैं क्विक प्रॉपर्टी से क्विक डिमेंशन से एक डिमेंशन क्विक डिमेंशन इसे सेलेक्ट किया एंटर ले ये भी आ गई फिर से दूसरी को भी चेक कर लेते हैं एंटर ए एल ये देखिए ये मेरी ट्वेंटी फोर फीट फाइव इंचिस की है ये सिक्स फीट सिक्स इंचिस की है तो ऐसे हमारी वेरिएशन हो जाती है ठीक हो गया सो so, अब मैंने आपको ये सिखा दी है इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ और वो है हमारा पोली कमांड ठीक है मैं सब को इस सबको ख़त्म करता हूँ स्क्रीन से ये लो ठीक है अब पोली लाइन पोली लाइन क्या होती है पोली लाइन होती है जो कि हर लिंक के बावजूद भी एक सेम ऑब्जेक्ट बनाती है पोली लाइन आप यहाँ से एक्सेस कैसे कर सकते हैं यहाँ पे तीसरा आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे तीसरे आइकॉन पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट सिक्स पॉइंट ये देखें मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अब इसे क्लिक करें ये सारा ज्वाइंट है ये ज्वाइंट हुआ हुआ है इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो एक है ठीक है जबकि लाइन का क्या था मैं एल एंटर करके देख लेता हूँ एल एंटर ये ये ले ये ले ये ओहो ये ये भी ले भीतर काफ़ी है अब ये देखें इसमें ईच क्लिक के बाद इसने एक अलग ऑब्जेक्ट तैयार किया जिसे हम अलग भी कर सकते हैं देखें जबकि इस ये जो पोली लाइन होती है वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है ठीक है पोली लाइन को ड्रा करने का एक और तरीका है ड्रा मेन्यू में जाएं ड्रा मेन्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है पोली लाइन ये रहा पोली लैन का ऑप्शन ठीक है मैं आर्थो ऑफ कर देता हूं आर्थो ऑफ है यह देखिए ओहो एंटर यह देखें यह भी बन गया दूसरी पोली को यूज करने का तरीका है पी एल अपने कीबोर्ड से टाइप करें पी एल एंटर कर दें यह लीजिए ये इसकी शॉर्टकट की है एंटर अब ये देखें यह पोली को यूज करने का तरीका है ठीक है आई होप कि हमने पोली लाइन को भी क्लियर कर लिया है अब हम आगे बढ़ आगे एक मिनट पोली लाइन में जाने जाते वक्त एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा मैं फिर से एक पोली लाइन लेता हूँ ठीक है पी एल एंटर ये देखिए मैं पोली लाइन लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं हमें कमांड लाइन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद कमांड है ठीक है ये क्या है मैं इसकी व्रिरथ हाइट जो सी है वर्थ बढ़ा सकता हूँ कैसे ये देखे वर्थ के आइकोन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फाइव फीट फिर एंटर करता हूँ सेकंड इसका जो पॉइंट है वो फाइव फीट करके एंटर कर देता हूँ अब देखिए मेरी लाइन कितनी प्यारी बन गई है फीट्स की ये देखें ये ए, ये लाइन ये बन गई हैं ठीक है लाइन सो ऐसे करके हम लगा सकते हैं इसकी जो सी है व्रिरथ बढ़ा सकते हैं आपको याद है कि हमने पीछे व्रथ का सीखा थी प्रॉपर्टी लाइन प्रॉपर्टीज में व्रथ को बढ़ाना और कम करना सीखा था ये देखिए यह यहाँ से हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं वापस ओहो हाँ यही व्रथ है ठीक है सो so, ओवरऑल ये है सो so, अब देखिए मैं फिर से पी एंटर करता हूँ अब मैं जब भी लगा रहा हूँ ये ऐसी लगी जा रही है लाइन देखो अब मैं इसे वापस डिफ़ॉल्ट कैसे करूँ डिफ़ॉल्ट करने के लिए क्या है यहाँ पर आए वर्थ पे करें क्लिक ज़ीरो फीट एंटर ज़ीरो फीट जो मैं पहले लाइन के अंदर कर रहा था हो नहीं रहा था वो इसका कमांड था यहाँ पे आपने वर्थ पे क्लिक करके जीरो जीरो कर दिए दोनों कमांड्स तो ये अपने डिफॉल्ट पे आ गई है जो इसकी डिफ़ॉल्ट रेटिंग थी ठीक है ये देखें ये क्लिक हो गया मैं सबको खत्म करूँ स्क्रीन से, से बहुत गंदा आ गया स्क्रीन पे ओहो ठीक है ये हमने आपको सिखा दी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम पॉलीगॉन कमांड यानी अपनी फाइनल कमांड की तरफ बढ़ते हैं पॉलीगॉन कमांड वो हम कहाँ कहाँ से पोलीगोन कमांड uh, uh, एक क्लोज ऑब्जेक्ट को कहते हैं ठीक है एक क्लोज ऑब्जेक्ट को कहते हैं टू डी ऑब्जेक्ट इसके इसके जो यूसीज हैं वो हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर फीच फिक्सचर्स को हम फिक्स करते हैं इसके साथ इसकी टाइप्स हैं इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड और अब आपको फॉर अ टाइम बिंग हम इसी कंसिडर कर लेते हैं कि इंस्क्राइब का मतलब होता है जो, जो सर्कल है वो इनर साइड या इंटीरियर साइड्स को टच करे जबकि सर्कम का मीन होता है कि जो सर्कल है वो आउटर साइड या एक्सटेरियर साइड्स को टच करे ठीक है अब इसको हम यूज़ यू, करने के मैथड से चेक करते हैं ड्रा मैन्यू में जाए ड्रा मैन्यू में यहाँ पे पोलिगन लिखा हुआ है सबसे पहले आपसे ये साइड्स मांगेगा मैं इसे साइड देता हूँ सिक्स साइड्स ठीक है ना सिक्स एंटर ये देखिए ये अब आ, आगे मुझसे क्या पूछे इसकी टाइप पूछे कि इंस्क्रैप करनी है कि सर्कम ठीक है ये अब आप पर है मैं फिलहाल के लिए अगले ही कर रहा हूँ ठीक है अब ये मैं ऐसे ये देखें इसे एंटर करता हूँ अब इन के अंदर क्या फ़र्क है मैं सी एंटर करके सर्कल ले लेता ले हूँ यहाँ पर इसके मिड पर क्लिक करता हूँ ठीक है अब देखिए मैं इसकी एज पर जाके क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर रहेगा सर्कल ठीक है अब इसके अंदर सर्कल रहेगा ठीक है? है अब मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ उसके बाद हम एक और दफ़ा पोली कमांड पोलिकॉन कमांड जो पोली है ना यहाँ पर इसके नीचे जो उनकी कमांड है वो पॉलीगोन कमांड है ठीक है पॉलीगोन कमांड पे क्लिक किया अब मुझे फिर से साइड्स मांग रहा है मैं इसे फाइव साइड्स देता हूँ एंटर यहां पे मैं इसका रेड करता हूँ अभी मुझे पूछ रहा है कि कौन सा वाला है मैं सेकंड वाला ओ, ओ, हो मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ और ए ये ले, ये बन गया अब मैं फिर से सर्कल ड्रा करता हूँ सी के एंटर के साथ और ये और यहाँ पर ये है इसका एज उस पर क्लिक कर दें ये देखें ये है सरकमस्टेंस ठीक है अब मैं फिर से कंट्रोल दी कर देता हूँ मुझे सर्कल नहीं अभी इसके अंदर चाहिए और उसके अलावा हम एक और जगह से पोली पो, पोलिगोन ले सकते हैं वो है पी ओ एल अपने कीबोर्ड से टाइप करें पी ओ एल एंटर ठीक है अब मुझे साइड्स मांग रहा है मैं इसे थ्री साइड्स दे रहा हूँ एंटर ठीक है यहाँ पे मैं करता हूँ जी मुझे वही वाला सही है ए ये ये, ये बन गया ठीक है अब मैं एक और कर लेता हूँ ठीक है अब मैं एक और कर लेता हूँ एक और ओपन कर लेता हूं मैं अपना यहां से भी हम ओपन कर सकते हैं पोलीगोन कमांड को ठीक है पी ओ एल एंटर पोलीगोन कमांड अब मैं इसे देता हूं फोर साइड्स एंटर ये है हां जी मुझे पहला वाले चाहिए ए ये आ गया अच्छा अब आपने गौर किया कि मैंने ये इतने सारे क्यों बनाए हैं जबकि इन तीनों में इनके तीनों पता चल चलेगा थे हमने ड्रा मेन्यू से पोलीगॉन कैसे ले सकते हैं टूल बार से कैसे ले सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है पी ओ एल मगर यहाँ पर मैंने क्यों किया मैंने आपको बताना चाहता कि एक तो पोलीगॉन कमांड है इसकी टाइप्स दो हैं लेकिन इसकी टाइप्स के अंदर फर्दर शेप टाइप्स भी हैं शेप टाइप्स में से ये हैं पहली जो इसकी टाइप है वो है ट्राई एंगल ट्राई एंगल ठीक है पॉलीगॉन जिसकी थ्री साइडस होती हैं ठीक है दूसरी इसकी टाइप है रेक्टेंगल पॉलीगॉन जिसकी फ़ोर साइडस होती हैं फिर है जी फिर है इसकी पेंटागन जिसकी है टाइप पेंटागन उसकी फाइव साइड्स होती हैं जबकि इसकी हेक्जागौन इसका एक और टाइप है शेप वो इसे कहते हैं और ये इसकी सिक्स साइड्स होती हैं और आई गॉन आई थिंक आपको ये सब कुछ पहले से मैथ में आपने पढ़ा होगा ठीक है अब हम फोल्डर मेकिंग की बात कर लेते हैं हमने फोल्डर मेकिंग के बारे में बात की थी ठीक है शायद मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताई हो बात यह है कि फोल्डर मेकिंग में इंपॉर्टेंट क्या है मैं एक मिनट ओपन कर लेता हूँ सी ड्राइव में कभी भी फोल्डर नहीं बनाना ऑब्जेक्ट ठीक है हमेशा दूसरी ड्राइव में बनाना तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया था लेसन नंबर टेन के अंदर ये ऑटो कैट टू थाउजेंड एटीन वर्क के नाम से ठीक है इसके अंदर हमने कहा था कि हम डेट वाइज रखेंगे अपने फोल्डर्स डेट वाइज रखना ईजी होगा ठीक है और जिस डेट पर हम काम करेंगे उस डेट का काम इसके अंदर सेव करते जाएंगे ठीक है ये मैंने कहा था और यहाँ से हम ये काम को कैसे सेव करेंगे ये देखें यहाँ पे गए मैं सेव वैस का कमांड यूज करता हूँ ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने शुरू में आपको ये सिखा दी है ठीक है सो आई होप कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज आपने रिव्यू एक्सरसाइज वन जो सी है लेसन नंबर वन टू टेन बहुत अच्छी तरह लर्न कर ली होगी ठीक है और आपने गो थ्रू कर लिया होगा अपना पुराना सारा काम ठीक है और अब अगले लेसन तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़